जब मैं बात काउंसलिंग की करता हूँ तो बहुत सारी चीजें जो है हमारे सामने आती है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, कौन से कॉलेज होते हैं, ऑल इंडिया के कोटा क्या होता है, स्टेट कोटा क्या होता है, राउंड्स कब लगते हैं, सीट अलॉटमेंट क्या होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग करने वाली होती है, खास करके आप जैसे बच्चों को जिनके लिए ये पहली बार है एंड ये सब फेस करना, कैसे करना है, कहाँ पे जाना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है। तो इन सब सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। फाइनली नीट 2024 में यहाँ पे हमको देखने को मिला कि फाइनली रीनीट होने वाला है, लेकिन सिर्फ 1563 बच्चों का होने वाला है। 23rd ऑफ जून को, 13 जून को जो है वहां पर रिजल्ट आ जाएगा एंड 6th ऑफ जुलाई से जो है वो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ऑल इंडिया कोटा वाली भी स्टार्ट हो जाएगी एंड स्टेट वाली भी वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो, जब काउंसलिंग की बात आती है तो काउंसलिंग दो तरीके की हमको यहां पे देखने को मिलती है। सबसे पहली होती है यहां पे हमारी ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग, जहां पे ये कंडक्ट कराता है एमसीसी, दैट इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड यहां पे एआईक्यू सीट जितने भी होते हैं, दैट इज 85% होते हैं हर एक कॉलेज में। साथ ही में जो सारे एम्स के कॉलेज है, जिपमर के कॉलेज है, वहां पे जो है वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसिलिंग चलती है एमसीसी द्वारा। सेकंड होती है स्टेट काउंसिलिंग, जो आपके स्टेट के कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है सारे, जीएमसीज हम जिसको कहते हैं, उन सबके 85% कोटा के लिए वहां पे जो है वो स्टेट काउंसिलिंग की जाती है। तो अगर मैं एम्स यहां पे ऑल इंडिया कोटा की बात करूं तो सारे जो एम्स है इंडिया के, ठीक है, तो सारे एम्स के लिए वहां पे एमसीसी काउंसलिंग करता है, डीयू कोटा भी होता है वहां पे। जिपमर के लिए भी वहां पे आपको एमसीसी द्वारा ऑल इंडिया काउंसलिंग करनी पड़ती है, एएफएमसी के लिए भी आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग करनी पड़ती है, ईएसआईसी कोटा, आईपीयू, वीएनएमसी, एवीवी के लिए भी आपको जो है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग करनी पड़ती है। देश के सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 15% सीट, मतलब आपको, आप महाराष्ट्र से हो और आपको वहां पे वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेना है तो भी आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है थ्रू जाना पड़ता है। 15% हर एक कॉलेज के सीट रिजर्व होते हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए। देन सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज, बीएचयू, एएमयू यूनिवर्सिटीज, वहां पे जो है वो ऑल इंडिया कोटा के एमसीसी द्वारा किए गए काउंसलिंग से ही आपको जो है काउंसलिंग करनी पड़ती है। स्टेट काउंसलिंग, जो सारे स्टेट्स है, अपने अपने कॉलेजेस होते हैं हर एक स्टेट में। जैसे कि महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, सीईटी सेल कंडक्ट करता है यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट की मेडिकल काउंसिलिंग। ऐसे ही हर एक स्टेट की अपनी अपेक्स बॉडी होती है, अपनी मेडिकल काउंसिल होती है, जो अपने अपने स्टेट्स में जो है वो वहां पे स्टेट काउंसिलिंग जो है वो कराती है। दोनों स्टेट काउंसिलिंग एंड ऑल इंडिया काउंसिलिंग दोनों ही साथ में ही चलती प्रोसीजर। सबसे पहले आपको जो है वो ऑल इंडिया काउंसिलिंग वहां पे जो है आ जाएगा नोटिफिकेशन, साथ में स्टेट का भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों के लिए आपको क्या करना है, दोनों के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, जहां पे आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही होगी, आपको क्लास 10 सर्टिफिकेट, क्लास 12 सर्टिफिकेट, देन आपको नीट एडमिट कार्ड, ठीक है, फर्स्ट पेज जो आता इंपॉर्टेंट होता है, देन नीट फॉर्म, ठीक है, कंफर्मेशन फॉर्म वहां पे चाहिए होता है, ठीक है, देन स्कोर कार्ड आपका जो आ जाएगा, फाइनल स्कोर कार्ड, देन आपका सीट अलॉटमेंट लेटर जो लिस्ट लगने के बाद लगेगा, आपको काउंसलिंग के लिए लेके जाना पड़ेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, ठीक है, देन आपके 8 पासपोर्ट साइज फोटोज लगेंगे, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरे थे वही फोटो आपको लगाने हैं। देन आपने अगर लिविंग सर्टिफिकेट आपने निकाला होगा तो आपको लिविंग सर्टिफिकेट निकलेगा, डोमेसाइल सर्टिफिकेट हर एक स्टेट का होता है तो वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। देन आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड लगेगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड जो है वो आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने गैप लिया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी वहां पे लगेगा, तो वो बनवा लेना प्लीज, ठीक है। 1 साल 2 साल जितना भी आपने गैप लिया है वो आपके तलाठी प्लेस या फिर वहां पे जो है वो महा ई सेवा केंद्र जो होता है हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में, वहां से जो है आप बनवा सकते हो, या किसी भी वकील द्वारा, गवर्निंग बॉडी द्वारा जो है वो आप गैप सर्टिफिकेट बना होते हो, मतलब वो बॉन्ड पेपर होता है, बॉन्ड पेपर पे लिखना होता है कि क्यों गैप लिया आपने, ठीक है। एमसीसी की नोटिफिकेशन आ जाएगी कि काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, जो 6th साल होने वाली है। तो आपको जाना है www.mcc.nic.in इस वेबसाइट पे, ठीक है, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपका पूरा इंफॉर्मेशन डालना है, ये डॉक्यूमेंट जो है वो वहां पे अगर अपलोड करने बोल रहे हैं तो आपको अपलोड करने सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फिर आपको फीस भरनी है। अगर मैं यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसिलिंग की फीस की बात करूं तो आपको 1000 रुपीज फीस जो है वो भरनी है, जो नॉन रिफंडेबल होती है, एंड अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपको 10,000 रुपीज भरने होते हैं जो रिफंडेबल होते हैं, ठीक है। देन अगर आप अदर कैटेगरी से हो, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, देन आपको 500 रुपए नॉन रिफंडेबल फीस भरनी पड़ती है एंड 5,000 रुपए रिफंडेबल फीस भरनी पड़ती है। अब ये रिफंड कब मिलेगा नहीं मिलेगा मैं आगे बताता हूं। फिर आपको जो है फीस भरने के बाद आपके सामने आ जाएगा चॉइस फिलिंग। तो आपको चॉइस फिलिंग बहुत ही वाइजली करना है, आपको सब सब रिसर्च करके रखनी है कि आपके मार्क के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज जल्द से जल्द अलर्ट हो सकता है, तो वो कॉलेज आप पहले डालना, ठीक है। ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि आपके 360 आ रहे हैं, 340 आ रहे हैं और आप जो है वो एम्स दिल्ली डाल रहे हो, तो वो बेवकूफी मत करना, आपके चांसेस कम हो जाते हैं ऐसा करने से, ठीक है। जो कॉलेज आपको मिलने वाला है तो वो सीधा सीधा पहले डाल देना। हाँ, थोड़े बहुत मतलब जो कंफ्यूज वाले हैं वो आप पहले डाल सकते हो कि आपकी 600 मार्क है और आपका अगर जैसे कि आपको बीजे मेडिकल कॉलेज चाहिए तो बीजे मेडिकल कॉलेज
610 620 पे आशा है खत्म होने की, तो लेकिन आप वो ट्राई कर सकते हो कि बीजे कॉलेज मैंने पहले डाल दिया, ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है लेकिन हाँ मतलब उसी रेंज में है मार्क्स के, तो वो मिल जाएगा, ठीक है, या मिल भी सकता है स्ट्रेट अमाउंट, तो ऐसा में आप डाल सकते हो, ठीक है, बट डोंट डू दैट, ठीक है, कि नहीं मिलने वाला गारंटी है फिर भी आप डाल रहे हो तो चॉइस वहां पे खराब मत करना, ठीक है। फिर वहां पे रिजल्ट लगेगा, राउंड लगेगा आपका, पहला राउंड आएगा, लिस्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी एंड वहां पे आपको कॉलेज अलॉट होगा। अभी राउंड कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है वो आपने एमसीसी का फॉर्म भर दिया, सेम आपको स्टेट का फॉर्म भरना है, सेम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको डोमा शैल के साथ, ठीक है, दोनों स्टेट पे और यहाँ पे आपने फॉर्म भर दिया स्टेट का भी और एमसीसी का भी। देन आपका सबसे पहले लगेगा एमसीसी का राउंड वन, दैट इज ऑल इंडिया कोटा का राउंड वन लगेगा। आपको वहां पे देखना है कि वहां पे आपको कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर आपने वहां पे ऑल इंडिया कोटा में आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है, और आपने वहां पे एडमिशन ले लिया, कॉलेज मिल गया, तो आपको स्टेट कोटा में जो है वो कॉलेज नहीं अलॉट होगा, ठीक है। तो ये चीज यहां पे ध्यान में रखो, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज मिला और आपने वो नहीं लिया तो ही आपका स्टेट कोटा में नाम आएगा, तो ये चीज भी वहां पे ध्यान में रखना। सो सबसे पहले आपका लगेगा ऑल इंडिया कोटा का राउंड वन, फिर लगेगा आपका स्टेट का राउंड वन। स्टेट के राउंड वन में आपको कॉलेज मिल गया और आपने ले लिया तो आपको ऑल इंडिया कोटा राउंड टू में नाम नहीं आएगा, तो ये अल्टरनेटिवली चलता रहेगा, पहले ऑल इंडिया कोटा का राउंड वन, देन स्टेट का राउंड वन, देन ऑल इंडिया कोटा का राउंड टू, देन स्टेट का राउंड टू, ऑल इंडिया कोटा का राउंड थ्री, स्टेट का राउंड थ्री, देन ऑल इंडिया कोटा का वैकेंसी, देन स्टेट वैकेंसी। तो ये स्ट्रे राउंड जो है वो कभी कभी एक्स्ट्रा राउंड भी हो जाते हैं लेकिन उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाती है, तो ये अल्टरनेटिवली चलता रहेगा। एक बार आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको फिर नेक्स्ट राउंड में जो है वो वहां पे और आपने ले लिया तो आपका नाम नहीं आएगा, लेकिन आपका अगर नाम नहीं आ रहा है इसी भी राउंड वन में नहीं आया तो आपको निश्चिंत रहकर कुछ नहीं करना है, आपको बस बैठना है राउंड टू में, आपका नाम आने का इंतजार करना है, ठीक है। तो यहां पे कंफ्यूजन होता है, चॉइस फिलिंग आपने कर दी, फर्स्ट राउंड लग गया, तो यहां पे दो चॉइसेस आपके सामने आते हैं, सीट अलॉट हुआ है या सीट अलॉट नहीं हुआ है। अगर सीट अलॉट हुआ है तो आपको कौन सा कॉलेज मिला है वहां पे आपको कॉलेज पे जाना है, आपको अगर वो कॉलेज लेना है तो आपको एडमिशन कंफर्म करना है, लेकिन आपने कॉलेज जो है आपको क्लेम करना है, आपको सीट क्लेम करना है वहां पे जाके, तो आपको डिपॉजिट वहां पे देना पड़ता है, तो आपको जो है वो सीट क्लेम करके अपग्रेडेशन के लिए रखना है या नहीं रखना है वो भी आपके ऊपर होता है, ठीक है। तो आप जो है वो एक तो सीट फिक्स भी कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो कंफर्म, राउंड के बाहर हो जाओगे आप। अगर आपने नहीं लिया, आपको क्या करना है, सीट जो है वो रिजर्व करना है वहां पे डिपॉजिट देके, एंड आपको जो है वो अपग्रेडेशन के लिए टिक करना है वहां पे कि मैं राउंड टू में भी इच्छुक हो जाने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, लेकिन आपका अगर राउंड टू में वहां पे कंफर्म हो गया आपको कॉलेज, तो यहां पे आपको पहले वाला कॉलेज जो है वो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज यहां पे ध्यान में रखो, और अगर आपको राउंड टू में कॉलेज मिल गया एंड आपने जो है वो राउंड टू में कॉलेज नहीं लिया तो आपका डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, आपको डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान में रखना, जो आपने डिपॉजिट दिया है, ठीक है। फिर आपको राउंड थ्री के लिए फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। सेकंड चॉइस आती है, आपको राउंड फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको राउंड टू का इंतजार करना है, आप अपने आप राउंड टू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, तो आपको ऐसी कोई भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल प्रोसीजर है, अगर आपके मन में और भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं ये सारी प्रोसेस का पीडीएफ एक बार डाल दूंगा, ठीक है, तो वो भी एक बार आप देख लेना। एंड और कुछ भी मैंने जो है वो महाराष्ट्र स्टेट का भी काउंसिलिंग का वीडियो होना है वहां पे, मतलब एसएमएल का, तो वो भी देख लेना। एंड मैंने साथ ही में क्लास 11 का भी जो है वो चालू कर दिया, नीट 25 के लिए पढ़ाना, डेली 8:30 PM लाइव होता है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपके दोस्त करने वाले हैं तो उनको भी आप बता सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।